स्टूडेंट्स, टुडे आई विल रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर. ठीक है, एंड एमसीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू, राइट द डेट्स एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज द मेन इवेंट एसोसिएटेड विद दीज. फर्स्ट इज 26 जनवरी 1950. यू हैव टू मैच अकॉर्डिंग टू दैट. लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैच नहीं दे रही हूँ, आपने जस्ट इस इवेंट को बताना है कि व्हाट हैपेंड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर डे. देन 26 नवंबर 1949, द ईयर ऑफ 1946, दैट इज रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, देन 1928. सपोज अगर आपको ये सीक्वेंस में आता है तो आपने कैसे बताना है इसको. नंबर वन का आप क्या करोगे, फर्स्ट सीक्वेंस अरेंज अकॉर्डिंग टू ईयर. तो पहले कौन सी इवेंट हुई, मोतीलाल नेहरू ही ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जो थे, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही डिमांडेड ड्राफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री में इंडियंस के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. सो दैट्स व्हाई ही डिमांडेड एंड ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा नहीं, जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, इसके बाद सेकंड, फाइनली जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के लिए कब उसको जो है वो परमिशन दी, 1946. तो 1946 का ईयर एक इम्पॉर्टेंट ईयर था व्हेन इन आवर कंट्री Constituent Assembly was set up to frame the Constitution. Then third, 46 में बनी तो adopt कब किया, adopt का मतलब क्या होता है, बना कब लिया था, 26 नवंबर 1949. एक important date है जब हमारी country का Constitution बन गया था, ready हो गया था, adopt कर लिया था. लेकिन finally इसको implement कब किया, 26 जनवरी 1950, द डे वेन आर कंट्री बिकेम रिपब्लिक. तो अगर मैं ये पूछूं कि वेन आर कंट्री बिकेम रिपब्लिक, 26 जनवरी 1950. वाई इट इज कॉल्ड रिपब्लिक एट दैट टाइम, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड. एंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कंट्री का जो हेड होता है दैट इज इलेक्टेड फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड. हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड 26 जनवरी को इट वॉज इम्प्लीमेंटेड. जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, मूवी बन गई थी, रिलीज कब की, ऐसे सपोज बुक हम बना लेते हैं, बुक प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन फाइनल उसको रिलीज कब करते, ऐसा था कि बन गया था लेकिन इस डे की वेट की गई. मैंने ये भी बताया था कि 26 जनवरी क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 हिस्टोरिकल डे है, जिस डे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन जो है उसका प्लेज लिया था. यानी कि आप ये सोचो कि उस वो ये पर्टिकुलर डे 26 जनवरी को उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया कि वी आर फीलिंग आवर सेल्फ इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ब्रिटिशर्स. नो डाउट दे हैव कंट्रोल्ड बट वी विल नॉट रिकॉग्नाइज देम एज आवर रूलर्स. तो उसके बाद उन्होंने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब हमें फुल फ्रीडम चाहिए. तो आप ये सोचो कि 1930 से फिर उनका फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो चला एंड फाइनली हमें इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 अगस्त 1947 को. लेकिन इंडिपेंडेंस डे अब हम मनाते हैं 15 अगस्त को, लेकिन उस दिन को याद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की वेट की. बन तो गया था 26 नवंबर को, लेकिन फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कब किया, 26 जनवरी. और उस डे को याद करने के लिए हम हर साल क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे. ठीक है, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट डेट्स लिखो, सम इम्पोर्टेंट डेट्स. ठीक है, लाइक 1930, ये दोनों चैप्टर्स के मिक्स भी आ सकती हैं, 1930, 1980, 1994,
1947। अब कंट्रीज की इंडिपेंडेंस, सिर्फ कंट्रीज का नाम रिकॉग्नाइज करो, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, जिम्बाब्वे एंड इंडिया, ऐसे, क्योंकि ये मेन वो ईयर हैं जो आपने बार बार अपने चैप्टर्स में पढ़े हैं, तो आपको मैच आ सकता है और सीक्वेंस में भी आ सकता है। सपोज अब अगर मैंने यहाँ पे डेट ना लिखी हो, मैंने सिर्फ आपको ये लिखा हो कि अरेंज दीज कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, तो नंबर वन आप क्या लिखोगे, नंबर वन कंट्री मैक्सिको, देन इंडिया, देन जिम्बाब्वे, देन साउथ अफ्रीका, क्योंकि आपको ईयर याद होंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू मैच। ठीक है, नाउ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आपकी बुक में सो मेनी मेंबर्स आर देयर, मेन मेन है, वेमेन मेंबर्स हैं, तो आपको कोई भी मेंबर आ सकते हैं। लाइक डू यू थिंक महात्मा गांधी वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मैंने आपको बताया था ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन उनकी बुक थी, क्या नाम था बुक का, यंग इंडिया। यंग इंडिया में जो भी उनकी आइडियोलॉजीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया है, बट ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अलावा आपने जितने भी आपके जो भी करेक्टर्स हैं बुक में, आपने उनको अच्छी तरह से उनको रीडिंग करनी। विमेन मेंबर की बात करें तो उसमें दो मेन विमेन मेंबर हैं, कौन कौन सी, सरोजनी नायडू, शी वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक और है उसमें दुर्गाबाई देशमुख, शी वॉज ऑल्सो द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विजय लक्ष्मी पंडित, शी वॉज ऑल्सो द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको मेंबर्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है कि इनमें से जो जो भी मेंबर्स ये, बलदेव सिंह वॉज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज। ठीक है, तो जस्ट आई एम राइटिंग, आपने रिकॉग्नाइज करना है, मैं आपको जस्ट उनके बता रही हूं। यस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड साइड बाय साइड ही वॉज द यस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो, प्रेसिडेंट, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे एंड ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आता है ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ किनका नेम एसोसिएटेड है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ड्राफ्टिंग कमेटी? आप ये सोचो कि ये फुल सर्कल है, असेंबली 299 मेंबर्स हैं ये सारे, लेकिन इसमें से कुछ मेंबर्स को क्या दे दिया गया, ड्राफ्टिंग का काम, मतलब 7 मेंबर्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या है, ये है फुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये क्या है, धैर्य से प्रॉपरली, ये क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में अप्रोक्सीमेटली कितने मेंबर्स थे, 7। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या, कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में इन्होंने तैयार करवाया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन थर्ड, हु वॉज गिवन क्रेडिट टू इंटीग्रेट ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, किनको क्रेडिट दिया गया, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको नहीं, वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल। आप ये सोचो कि जब बच्चे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, बट देयर वर मेनी प्रिंसली स्टेट्स, मोर देन 400 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं, छोटी छोटी किंगडम्स थी, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, ये छोटी सी रियासत थी, ये ना इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे ना ही पाकिस्तान। तो अगर ये इंडिया का पार्ट नहीं बनते या पाकिस्तान का नहीं बनते, सपोज ये पाकिस्तान का बन जाते तो पाकिस्तान कभी भी हमारी बाउंड्रीज में आ सकता था, एंड हमारी इंडिया के अंदर भी छोटी छोटी कितनी ही रियासतें थी जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी।
अगर इनको इंडिपेंडेंट रहने दिया जाता तो हमारी कंट्री के लिए क्या होता, एक तरह से थ्रेट होता, और कभी भी कोई भी फॉरेन कंट्रीज जो थी यहाँ पर आके इजीली हमारी कंट्री के बॉर्डर एरियाज में एंटर कर सकती। एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या होती, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को कितना बढ़ाना पड़ता। 400 प्रिंसली स्टेट्स का मतलब वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गई, ना इंडिया का पार्ट ना पाकिस्तान का पार्ट। देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टेकन ओवर बाय वल्लभ भाई पटेल एंड ही मेट विद ऑल द किंग्स ऑफ दीज किंगडम्स एंड उनसे बात करके, और ये सारा जो है वो एक या दो साल में नहीं हुआ, ही स्पेंट मैनी ईयर्स विद टॉकिंग दीज किंग्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रियासत। और इनकी ट्रिटीज इनके साथ जो जो जैसे ऐसी भी कंडीशन साइन हुई उनके बेसिस के ऊपर इनको इंडिया यूनियन का पार्ट बना लिया। अब हरि सिंह के साथ क्या साइन हुआ था, हरि सिंह के साथ क्या साइन हुआ था, राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के रियासत के किंग थे, कि इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, अलग होगा। और तब बनाया गया आर्टिकल 370। और उन्होंने ये भी कंडीशन रखी कि कोई भी इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इलेक्शंस भी लग होंगे, नो डाउट इंडियन आर्मी उसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट करेगी। और उसी बेसिस के ऊपर जम्मू कश्मीर के राजा जो थे हरि सिंह ने इंडिया का पार्ट जो है, हम कहते थे हमारी कंट्री की स्टेट है, लेकिन आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का जो हाँ इलेक्शंस या उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो टोटली डिफरेंट होता। लेकिन नाउ अंडर बीजेपी गवर्नमेंट दिस आर्टिकल हैज बीन एबॉलिश कर दिया। नाउ पीपल आर फ्री टू टेक प्रॉपर्टी इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सेम होगा, इंटीग्रेट कर दिया, वो अब स्टेट नहीं रही बल्कि उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो क्या बन गई है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में है लद्दाख और वेस्टर्न पार्ट में आ गया कश्मीर, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि उस टाइम पीरियड में वल्लभ भाई पटेल ने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं बल्कि बहुत सी रियासतें थी, राजस्थान की रियासतें थी, हैदराबाद की थी, जूनागढ़ की थी, बहुत सी रियासतें थी जिन रियासतों को इंडिया का पार्ट बनाया गया। तो ये भी जो है दैट वॉज अ क्रेडिट गिवन टू डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे आ जाओ, नेल्सन मंडेला कॉन्ट्रीब्यूशन। नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है। अब अगर हमने, कई बार क्या होता है कंडीशंस को मिक्स भी बता सकते हैं, मिक्स का मतलब क्या होता है, हम इंडिया और साउथ अफ्रीका की कंडीशंस इवेंट्स को हम मिक्स करके भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। सपोज मैं आपको 4 इवेंट्स लिखवा रही हूँ, आपने मुझे ऑर्डर में बताना है कि कौन सी पहले कौन सी बाद में, ठीक है। नंबर 1, इंडिया बिकेम रिपब्लिक, नेल्सन मंडेला गिवन लाइफ इंप्रिजनमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, देन साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक। पहले अब इनके ईयर लिखो, उसके बाद इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अरेंज करो। पहले इनके ईयर लिखो, हाँ जी, फर्स्ट क्या है, पहले मेरे को ईयर बताओ, हम उसको नंबरिंग बाद में करेंगे। इंडिया बिकेम रिपब्लिक कौन सा ईयर, 1950। उसके बाद नेल्सन मंडेला गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो 1990 में ये बाहर आए थे, तो 1990 से 28 लेस कर दो अप्रोक्सीमेटली, हाँ 1964 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देन थर्ड, ये आपको पता ही है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, देन
रिपब्लिक कब बना? 1994। तो सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो नंबर वन, ठीक है, नंबर टू, देन नंबर थ्री, देन नंबर फोर। तो दिस ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इवेंट्स के अकॉर्डिंग आप तभी कर सकते हो जब आपको उनके ईयर याद हो, ठीक है। कई बार सपोज आप, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सपोज ये ईयर नहीं है तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1994 में अगर हुआ तो अप्रोक्सीमेटली 28 ईयर्स जो है तो कितने साल पहले उनको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने तो मेन ईयर्स को हमने सीक्वेंस में करना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। When was the new national flag of Republic of South Africa hoisted for the first time? कौन से ईयर में? सेम है देखो, 1994 when South Africa became Republic। अब कई बच्चे अगर हम सपोज यही पे मैं वर्ड चेंज कर दू, ठीक है, When was the new flag of India hoisted for the first time? इंडिया 15 अगस्त 1947। फिर ये मत लिखना 26 जनवरी। हमारी इंडिया को फ्रीडम कब मिली हमने वो बताना है। अब यहाँ पे देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लाइक आपको क्वेश्चन मैंने पूछा व्हेन वाज द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट डेट 26 अप्रैल 1994। अगर यहीं पे मैं वर्ड चेंज कर दूं, व्हेन वाज द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, 15 अगस्त 1947। तो फिर ये मत सोचना कि वो रिपब्लिक था तो उन्होंने रिपब्लिक का ईयर लिया, हमने लिया है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947, ठीक है। यस, प्रॉब्लम्स। Which were the problems during Constituent Assembly? Problems को just list में लिखो ताकि आपको sequence में जैसे भी आपको question आ सकता है। Problems, partition, main problem क्या थी? Problem of partition। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, that was difficult for them to make rules and regulations। उनके लिए क्या rules बनाए? Because they were considered as refugees। नंबर टू, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? उनको यहां पर आकर उनको अकोमोडेशन देना, लैंड देना। सपोज आप ये सोचो कि 50,000 पीपल और 1 लाख और 2 लाख पीपल दे केम फ्रॉम पाकिस्तान, दे वर हिंदूज एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू गिव देम लैंड हेयर। सबसे पहले वो यहाँ पे आकर कैंप्स में रहते थे, कैंप्स में कई बार 6 मंथ्स, कई बार कितने कितने मंथ उनको वहां पे रहना पड़ता था। देन गवर्नमेंट उनका प्रॉपर नेम, उनका ऑर्डर, जो भी एड्रेस वगैरह जो है उनको अलॉट करते थे और उसके बाद उनको वो पर्टिकुलर जगह या जो भी है वो दी जाती, लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए प्रॉब्लम थी कि इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए रिहैबिलिटेशन लैंड कहां से लेकर आए, ठीक है। थर्ड, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। At that time in our country, too many religions, too many languages. How to accommodate the problem? Because हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज, हर स्टेट का अपना कल्चर। कैसे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करें, कैसे लैंग्वेज पॉलिसी बनाए, दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम एट दैट टाइम। एंड यू नो बेस्ट पाथ अडॉप्टेड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट दे सिलेक्टेड हाउ मेनी लैंग्वेजेस, 22 languages, 22 languages को उन्होंने सेलेक्ट किया। इनमें से एक हिंदी है और बाकी सारी अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश इसमें नहीं आती है, इंग्लिश अलग से है, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है बच्चे? हर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग हो सकती है। पंजाब की क्या होगी? पंजाबी। महाराष्ट्र की मराठी। गुजरात की गुजराती। पूरी कंट्री की, हाँ पूरी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, और हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में किसी भी पर्सन को लैंग्वेज से रिलेटेड कभी इश्यू ना आए तो लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस हैव बीन प्रोवाइडेड। तो ये मेन प्रॉब्लम थी उस टाइम पीरियड में, कैसे लोगों को लैंग्वेज के रिलेटेड जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कल को कोई भी बच्चा अगर पंजाब से किसी और स्टेट में जाता है, ठीक है, तो अगर उसने ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम देना है तो उसके पास ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि उसको मराठी सीखनी पड़ेगी अगर महाराष्ट्र जाना। लेकिन अगर उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जॉब करनी है देन इट इज कंपल्सरी। फिर बच्चे क्या करते हैं, वहां पे जाकर मराठी सीखेंगे और मराठी में टेंथ का पेपर देंगे, देन दे विल क्लियर एंड देन दे कैन गेट द जॉब इफ दे वॉन्ट टू डू जॉब अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लेकिन अगर ऑल इंडिया जैसे रेलवे में जॉब करनी है, बैंकिंग में जॉब करनी है, तो यू नीड नॉट टू गिव एग्जाम इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, सपोज यहाँ से बच्चा कोई हैदराबाद जाता है, बैंगलोर जाता है, इट डजंट मीन कि उनको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे जॉब कर रहे हो, नो नीड। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर उस स्टेट की जॉब, जैसे सपोज कोई पर्सन यहाँ पे आके पंजाब गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, तो टेंथ में क्या होना चाहिए, पंजाबी क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के कुछ ऑप्शंस बनाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ, फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। फैक्टर्स नंबर वन, इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि हमें 1928 से ही कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज हो गई थी लोगों को, मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री डिमांडेड। पर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं था जो 1946 के बाद बना था, दैट वाज जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंडियंस। देन कराची सेशन 1931, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन 1931, ये भी सीक्वेंस में आपको आ सकता है। कराची सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कराची सेशन में ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बेस रखी गई थी, नींव रखी गई थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए कराची में एंड दे गेव देयर सजेशंस कि हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लुक लाइक। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1935। गवर्नमेंट ने इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए कि इंडियंस को थोड़ा सेटिस्फाई कर दिया जाए, उनको कुछ राइट्स दे दिए गए और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट बनाया 1935 एक्ट, क्योंकि इससे पहले ही कंट्री में बहुत सी प्रॉब्लम आ चुकी थी। 13 अप्रैल 1999 जलियांवाला बाग, गवर्नमेंट ने बहुत से एक्ट पास किए थे, रॉलेट एक्ट था, ठीक है, एंड मैनी पीपल दे वर किल्ड आल्सो, और इवन महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी काफी जो है वो सत्याग्रह लॉन्च किए, और इन सबको पैसिफाई करने के लिए इंडियंस के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए 1935 एक्ट। और इसका सबसे बड़ा गिफ्ट क्या था इंडियंस के लिए, इलेक्शंस, कि इलेक्शंस में वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट, कंटेस्ट भी कर सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। और ये सबसे पहले इलेक्शंस कौन से ईयर में करवाए गए, 1937 में जो इलेक्शंस करवाए गए बच्चे, उसमें इलेक्शन जो थे ना वो थे प्रोविंशियल इलेक्शंस। प्रोविंशियल वर्ड जो है वो कहां से, प्रोविंस, जैसे हम कहते हैं इंडिया की स्टेट है पंजाब, ऐसे उस टाइम पीरियड में स्टेट वर्ड नहीं यूज करते थे, क्या वर्ड यूज करते थे, प्रोविंस। तो प्रोविंशियल का मतलब होता है लोकल लेवल के ऊपर इंडियंस को एक, जिसमें कहते हैं कि जस्ट एक काइंड ऑफ गिफ्ट दे दिया गया दैट दे कैन कंटेस्ट इलेक्शंस एट देयर प्रोविंस लेवल, प्रोविंस का मतलब है स्टेट लेवल, दे कैन कंटेस्ट आल्सो, दे कैन वोट आल्सो। इस तरह से इंडियंस, काफी इंडियंस ने वोटिंग भी की और बहुत से इंडियंस क्या बने, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैनी पीपल, मैनी इंडियंस दे बिकेम मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब वो लेजिस्लेचर का पार्ट बन गए, वो ब्रिटिशर्स के सामने बैठे 1937 के बाद जब इलेक्शंस में, उन्होंने उनको कॉपी किया कि वो कैसे लॉ बनाते हैं, उनको देखा। इसका मतलब है कि 1937 के बाद जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो बहुत से ऐसे भी मेंबर थे
जो कहीं ना कहीं उन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक फॉर दोज पीपल बिकॉज दे न्यू ऑलरेडी कि ब्रिटिशर्स कैसे लॉ बनाते थे, कैसे पास होते थे, कैसे मेजोरिटी अप्रूव करवाई जाती थी कि लॉ जो है उसका क्या मेन बेस होना चाहिए। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में उस टाइम पर काफी लॉयर एडवोकेट्स एंड लॉ की नॉलेज पहले से ही थी, तो जब हमारी कंट्री में असेंबली बनी तो मेकर्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद 1937 और हमने क्या बताना है कि हमारे मेकर्स के ऊपर कौन कौन से रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था, वो फ्रेंच के जो उनके राइट्स थे लिबर्टी इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी, इन वर्ड्स को भी हमने अपने प्रियम्बल में ऐड किया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लोगों के राइट्स थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन से लिया सोशलिस्ट वर्ड, सोशलिस्ट रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था। देन अमेरिकन, अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अमेरिका ब्रिटेन के अंडर था तब अमेरिकन्स ने भी काफी हद तक स्ट्रगल किया, तो ये उससे भी इंस्पायर थे कि कंट्री में किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस हो कि लोगों को आपस में इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए, ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफरेंस ना हो। ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सारे जो है इम्पैक्ट था जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के कुछ राइट्स जो हैं या कुछ लॉज, मैंने आपको बताया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको क्या कहा जाता है, बैग ऑफ बोरोइंग्स, कि हमने बहुत सी कंट्रीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, बोरो किया है, पर सेम फॉर्म में नहीं किया, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया है। तो कुछ टर्म्स आपको पता नहीं चाहिए। पार्लियामेंट्री हमारी कंट्री में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये कहां से हमने कॉपी किया, ब्रिटेन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने इसको कॉपी किया ब्रिटेन से। आपको पता है ब्रिटेन के दो हाउस कौन से, एट में आपने पढ़ा होगा, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऐसे ही हमारी कंट्री में क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए, यूएस से। फंडामेंटल राइट्स, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये वर्ड हमने कहां से लिए, फ्रेंच, हाँ वेरी गुड, फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटरिटी, इसके स्पेलिंग क्या है, एफ आर ए टी ई आर एन आई टी वाई, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड। सोशलिस्ट या सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी कहां से लिया, रशिया, रशिया सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया था वहां से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आयरलैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने लिए हैं आयरलैंड, आई आर ई एल ए एन डी, आयरलैंड। प्रीएम्बल यूएसए, प्रीएम्बल यूएसए। आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं बच्चे, क्या फर्क होता है फंडामेंटल्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, फर्क क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स के पीछे कोर्ट की पावर होती है, जैसे मैं कहती हूँ कि राइट टू इक्वालिटी, अगर कोई पर्सन है, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उनके साथ अगर कुछ भी उनके राइट्स वायलेट होते हैं तो दे कैन गो टू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव वर्ड लिया गया है डायरेक्शंस, इसमें क्या होता है, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लाइंस लिखी गई है कि गवर्नमेंट को चाहिए मैन एंड वुमेन के बीच में इक्वालिटी सेटअप करे, गवर्नमेंट करे या ना करे गवर्नमेंट पे डिपेंड है। अगर मैन और वुमेन में इक्वालिटी नहीं है तो वुमेन क्या सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगे, नहीं, क्योंकि उसमें वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो जस्ट एक गाइडलाइंस थी। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर लिखा गया है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव फूड टू ईच एंड एवरी
यू कैन से पुअर पीपल या पुअर मेंबर्स, लेकिन अगर जो बैगर्स हैं वो कोर्ट में थोड़ी चले जाएंगे कि हमें खाना नहीं मिलता है ना। तो फंडामेंटल, अगर हमारा फंडामेंटल राइट होता ना राइट टू फूड, फिर क्या होता, फिर क्या होता, हाँ फिर जाते कि हाँ जी खाना नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट हमें खाना नहीं दे रही है, कंपल्सरी नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कंपल्सरी नहीं, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, हु रोट यंग इंडिया, महात्मा गांधी। ईयर कौन सा ईयर, 1931, हु रोट यंग इंडिया, महात्मा गांधी, इन विच ईयर 1931, क्या लिखा उन्होंने, ड्रीम्स, ड्रीम्स ऑफ हिज कंट्री, कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो, इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो कैसा होगा। तो बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर महात्मा गांधी जी की डेथ कब हुई, 1948। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फिर बाद में महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया कि वो क्या चाहते थे इंडिया के बारे में, तो उनको भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें ऐड किया गया, उनकी आइडियोलॉजीज को, गाइडिंग फिलॉसफी। आगे आ जाओ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के जो वर्ड्स हैं कौन कौन से मेन वर्ड्स हैं, और अगर मैं आपको इस तरह से, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, सपोज मैं आपको कुछ वर्ड्स कहूँ कि क्या ये प्रीएम्बल में ये वर्ड्स हैं, तो राइट डाउन एनी फाइव वर्ड्स, सोशलिस्ट, सॉवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेस्पोटिक, डेस्पोटिक, कौन सा वर्ड नहीं है, डेस्पोटिक, ठीक है। अब आपको प्रीएम्बल के इन वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए, कोई भी आपको डेफिनेशन, सपोज यही है सॉवरन ही, तो सॉवरन की फोर डेफिनेशंस हो सकती है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि एग्जैक्ट सॉवरन की डेफिनेशन क्या है। सॉवरन का मतलब होता है नो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरफेरेंस। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। तो फोर स्टेटमेंट्स कैन बी गिवन, आपने रिकॉग्नाइज करना है कि सोशलिस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन कौन सी है। सेकुलर का मतलब होता है नो स्टेट रिलीजन, कोई भी रिलीजन जो है वो स्टेट रिलीजन नहीं होता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ पीपल, एंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहां पे हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए इसमें, ओके बेटा। गोइंग टू एंड, टाइम इज ओवर नाउ, एनी डाउट।